बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह है शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतलियों के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ भाग 2, सामाजिक विज्ञान विषय में बुक लोकतांत्रिक राजनीति 1 से लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, वे कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में द थीव्स स्टोरी। आज हम अपने फर्स्ट पार्ट का नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमने अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है और गैस अवस्था क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या ये अवस्थाएं आपस में बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। तो देखो, अपनी हेडिंग है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो देखो बच्चों कि हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है। क्या लिया है? एक बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर क्या है? हमने बर्फ के कुछ टुकड़े डाले हैं। देखो, बीकर का मतलब एक ग्लास जैसी संरचना है ना, ये इसको बीकर बोलते हैं। इसके अंदर हमने कुछ बर्फ के टुकड़े डाले, आपको अगर दिख रहे हैं तो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है। ये बर्फ के टुकड़े डालने के बाद हमने क्या किया, इसको गर्म किया, इस पात्र को हमने गर्म किया, ठीक है। अब बताओ, आप अपनी आम भाषा में बताओ कि जब मैं इस बर्फ के टुकड़ों को गर्म कर रही हूँ तो क्या होगा? ये बर्फ के टुकड़े किस में बदल जाएंगे? पानी में। किस में बदल जाएंगे? पानी में, जल में। अब आप मुझे ये बताओ कि ये बर्फ के टुकड़े थे तो बर्फ कौन सी अवस्था होती है? बर्फ बच्चों ठोस अवस्था होती है। बर्फ कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था होती है, ठीक है। जबकि पानी कौन सी अवस्था होता है? पानी होता है द्रव अवस्था। पानी कौन सी अवस्था में होता है? द्रव में। और जो हमारी भाप होती है, भाप कौन सी अवस्था में होती है? गैस में। आप मुझे बता सकते हो कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? हम सब जानते हैं पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। बर्फ का रासायनिक सूत्र भी बच्चों H2O ही होता है और भाप का रासायनिक सूत्र भी बच्चों H2O ही होता है। क्लियर है क्या? लेकिन बर्फ है वो कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। पानी कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। और भाप कौन सी अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। ये बात क्लियर है? अब देखो, हमने ये किसके टुकड़े लिए? बर्फ के लिए। ये कौन सी अवस्था में है बच्चों? ये है ठोस अवस्था में। अब हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ? आपको मालूम हो ठोस के कण बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या होगा? ये जो कण है ना, इन कणों में कंपन होगा। कंपन के कारण ये क्या है, एक दूसरे से दूर दूर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हम इनको तापमान देंगे, जितना ज्यादा गर्म करेंगे, कण उतने ही दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो ठोस के कण है वो तो होते हैं पास पास, लेकिन द्रव के कण क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो बच्चों, अब ये बर्फ किस में बदल गई? पानी में बदल गई। क्यों? क्योंकि बर्फ में तो कण थे बहुत पास पास, अब इसमें जो कण है वो क्या है? बर्फ की तुलना में दूर दूर हो गए। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास पानी में बदल गई ना बर्फ, या आप ये कह सकते हो कि हमने एक दूसरा बीकर लिया जिसमें पानी है, ठीक है। इस पानी को भी हमने देखो गर्म किया है। गर्म करने से क्या होगा? ये जो पानी है, ये पानी उबलना शुरू होगा। उबलने के बाद क्या होगा? इसमें भाप बनना शुरू होगी। वो भाप यूं बाहर आएगी, आएगी ना, ठीक है। तो आप देखो, जो जल है वो कौन सी अवस्था में आया? वो आया अपनी द्रव अवस्था में। और जो यहाँ से भाप बन के बाहर निकल रही है, वो भाप कौन सी अवस्था में आई?
गैसीय अवस्था में, मतलब हमने इसको तापमान दिया, हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से जो द्रव के कण थे ये और भी दूर दूर हो गए, और भी दूर दूर हो गए, इस कारण ये जो भाप अवस्था में आ गए, और भाप कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, तो बच्चों आप क्या आंसर देंगे, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, अब हमने एक शब्द पढ़ा था पहले, गलनांक। आखिर गलनांक होता क्या है? तो देखो बच्चों की जो ठोस अवस्था होती है वो पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, तो कैसे बदली? हमने उसको गर्म किया था ना, अभी गर्म किया था, तापमान दिया था, तो जो तापमान हमने दिया है वो तापमान ही गलनांक कहलाता है। कौन सा तापमान? जिस तापमान पर ठोस किसमें बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, वह तापमान ही बच्चों क्या कहलाता है, गलनांक। अब देखो बर्फ कौन सी अवस्था में, ठोस द्रव या गैस? ठोस में है। ठीक है, ठोस क्या है, ये द्रव अवस्था में बदलेगा, तो द्रव अवस्था में बदलने के लिए इसको कितना तापमान चाहिए बच्चों? इसको 273.16 केल्विन तापमान चाहिए। किसमें बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए। अगर बर्फ को आप इतना तापमान दोगे तो ये किसमें गल जाएगी, किसमें बदल जाएगी? ये बदल जाएगी द्रव में या पानी में। ठीक है, तो गलनांक किसे कहेंगे, कि वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ किस अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्वथनांक की। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा है ये क्वथनांक, कि वह तापमान जिस पर द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में। देखो बच्चों गलनांक में तो क्या होता है, देखो सोना कौन सी धातु है, सॉरी सोना कौन सा पदार्थ है, ठोस है या द्रव? ठोस है ना। सोना को हम गलाकर विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल बनाते हैं। तो सोने को हम गला रहे हैं ना, इसका मतलब गलनांक याद हो जाएगा ना ऐसे। तो सोना क्या है, ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था को गला के हमने आभूषण बनाए, तो गलनांक किसे कहते हैं, कि वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाए, क्या कहलाता है, गलनांक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव किसमें बदल जाए, गैसीय अवस्था में बदल जाए, क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाता है। देखो बच्चों हमने यहाँ लिया जल का क्वथनांक कितना होता है, ठीक है, तो क्वथनांक किसका होता है, 373 केल्विन, या आप सेल्सियस में बोलो तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन क्या है, जल का क्वथनांक है। मतलब जल जो द्रव अवस्था में है वो इतना तापमान देने पर किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प कौन सी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था। और बर्फ को इतना तापमान 273 तापमान देने पर, केल्विन 273 केल्विन तापमान देने पर ये किसमें बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। एक चीज और याद रखना बच्चों, देखो हमने इसको 373 केल्विन को 100 डिग्री सेल्सियस में रखा है, मतलब 273 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, 274। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो गया बच्चों, 100 जोड़ दो इसमें, 373 इसमें 100 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ कि 10 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, तो बच्चों एक में तो होते हैं 273, तो 10 में कितने होंगे, इसमें 10 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 283 केल्विन। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो देखो बच्चों द्रव अवस्था के जो पदार्थ होते हैं वो सीधे किसमें बदल जाए, ठोस में। देखो हमने भी पढ़ा था बर्फ, बर्फ क्या थी, ठोस, ठोस पिघल कर किसमें बदल रही थी, द्रव में। ठीक है, द्रव मतलब पानी जैसे, और इसको हमने उबाला तो ये किसमें बदल गई, वाष्प मतलब गैस में। ठीक है, अब आप कभी खाना बनाते हो या पानी को उबालते हो, तो जैसे मान लो ये कोई बर्तन है जिसमें आप पानी को गर्म कर रहे हो और उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी, तो जो वाष्प है पानी की उड़ के उस प्लेट के ऊपर जम जाती है, आपने देखा हो तो, है ना, जमी कैसे, कि जो नीचे उसको तापमान दिया जा रहा है उससे उस प्लेट का तापमान कम है, इस कारण वो वाष्प वहां जाके इकट्ठी होती है, उसके अणु आपस पास पास में आते हैं और वो किस में बदल जाती है, द्रव में। इसी कारण हमें वहां पानी की बूंदे दिखाई देती है। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो जिस प्लेट से आप सब्जी को ढकोगे उसके ऊपर हमें किसकी बूंदे दिखाई देती है, पानी की। मतलब अगर गैसीय अवस्था को हम ठंडा करेंगे
में बदल जाएगी द्रव में, और द्रव मतलब पानी को अगर आप जमाओगे तो क्या बना लेगा, बर्फ, जो कि क्या है, ठोस। मतलब ये आपस में बदलती रहती है। लेकिन ऊर्ध्वपातन किससे कहेंगे हम? ऊर्ध्वपातन का मतलब होगा कि जो कोई ठोस पदार्थ है, जो भी ठोस पदार्थ है वो सीधे के सीधे द्रव अवस्था में ना बदल कर किस में बदल जाए, गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे कि जब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना कोई भी ठोस पदार्थ सीधे ही गैस में बदल जाए, ठोस सीधे ही गैस में बदल जाए, द्रव में नहीं बदले, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब आपसे कोई पूछे कि ठीक है हाँ हमें समझ में आ गई ऊर्ध्वपातन होता है, हमें करके बताओ कि कैसे होता है ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे एक को चीनी मिट्टी की प्याली लेनी है और उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल देना है। ये ना मिले तो आपके घर में कपूर होता है जो हम पूजा में काम में लेते हैं, वो कपूर रख देना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमने एक कीप लगा देनी है, और आपको पता है कीप का मुंह इधर से खुला हुआ होता है, तो इसको रुई से या कॉटन से आपको बंद कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कपूर को या अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, कपूर तो आप सबने देखा है ऐसे टुकड़े टाइप में आते हैं ना, तो ये टुकड़े जो हैं वो यहाँ पे पानी द्रव अवस्था के जैसा कुछ भी नहीं बनेगा, पानी जैसा कोई पदार्थ नहीं बनेगा, ये सीधे गर्म होगा, गर्म होकर सीधा धुआं देगा, धुआं देता है ना काला काला से एकदम कपूर जलाने पे, मतलब वो क्या है, वो गैसीय अवस्था है, और वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी द्रवीय अवस्था नहीं बनेगी। इससे क्या सिद्ध होता है कि ठोस पदार्थ सीधे किससे बदल गए, गैसीय अवस्था में, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्लियर है ये पॉइंट। अब आगे हम बात करते हैं दाब का प्रभाव, कि जो अभी हमने इतनी अवस्थाएं पढ़ी है इन पे दाब का प्रभाव कैसे होता है। तो देखो बच्चों हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, ये सिलेंडर लिया है हमने, इस सिलेंडर में हमने क्या किया है, अणु ले लिए हैं, छोटे छोटे कण ले लिए हैं किसी पदार्थ के, ठीक है। इसको हमने क्या लगाया है, एक पिस्टन से इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो देखो ये एक कण यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ये भी ये कण क्या है, दूर दूर है, इनके मध्य कितना गैप है, देखो दिख रहा है ना, तो ये कण अभी तो दूर दूर है, अब हमने इस पिस्टन से इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो इस पर दाब लगाने से क्या होगा, जैसे जैसे ये खिसकता जाएगा नीचे, ये कण क्या है, पास पास आते जाएंगे। ये देखो ये कण पहले के मुकाबले कितना पास पास आ गए, पिस्टन देखो पहले यहाँ था, अब इतना नीचे आ गया, तो ये कण देखो पास पास में आ गए कि नहीं। अब हमने इस पिस्टन से सिलेंडर में और प्रेशर लगाया, और दबाव लगाया, तो देखो ये सारे के सारे कण कितने व्यवस्थित ढंग से जम गए हैं एक जगह, ठीक है। तो देखो यहाँ कण दूर दूर है, ठीक है, अब इस पे हम जैसे जैसे दबाव लगाए जाएंगे वैसे वैसे ये पास आते जाएंगे, ये समीप आते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जहां कण दूर दूर होते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, वो होती है गैसीय अवस्था। तो मतलब अगर हम गैसीय अवस्था को दबाएंगे तो गैसीय अवस्था, देखो कण पास पास आ गए, कौन सी अवस्था में बदल सकती है, द्रव अवस्था में बदल सकती है। तो आपसे कोई पूछे क्या पदार्थों पर दाब का प्रभाव होगा, बिल्कुल जी होगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण देखो क्या होता है, आपने गर्मियों में देखा होगा कि जैसे एक बाल्टी भरी है पानी की, आप कहोगे कि इसमें से पानी उड़ गया, कि पानी उड़ गया गर्मी के कारण, पानी उड़ गया कहते हैं ना आम भाषा में, तो ऐसा क्या हुआ कि पानी उड़ गया। तो देखो बच्चों गर्मियों में क्या होता है कि तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, तापमान ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो द्रव अवस्था के पदार्थ होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प कौन सी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है, ठीक है। तो वाष्पीकरण हम किसे कहेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर, अब वो बाल्टी में जो पानी था क्या आपको उबलता हुआ दिखाई देता है, नहीं देता ना, तो क्वथनांक जितना पानी गर्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो पानी किसमें बदल रहा है, भाप में या वाष्प में बदल रहा है, मतलब कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव अवस्था वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, वाष्पीकरण कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई है क्या, क्लियर है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव अवस्था किसमें बदल जाएगी, गैसीय अवस्था में, ठीक है बच्चों। अब कुछ कारक ऐसे होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब किस जगह वाष्पीकरण ज्यादा होगा
किस जगह वाष्पीकरण कम होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि सतह क्षेत्र से वाष्पीकरण, मतलब कि सतह के कारण वाष्पीकरण कम ज्यादा कैसे होगा। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमने कपड़े धोए और उस कपड़े को सीधा जाके तार पे डाल दिया, ठीक है, हमने वैसा का वैसा दूसरा कपड़ा धोया और उसको हमने अच्छे से फैला के तार पे डाला है, दोनों कपड़ों में से जल्दी कौन सा सूखेगा बताओ, जो अच्छे से फैला के डाला है ना। क्यों? क्योंकि फैलाने से क्या हुआ, यहाँ तो हमने ऐसे ही डाल दिया कोई भी कपड़ा और यहाँ पे हमने उस कपड़े को अच्छे से फैला के डाला है तार पे, फैलाने से देखो उसका सतह बढ़ गया, अभी तो इतना सा है ये, अब इसका सतह इतना बढ़ गया, तो ज्यादा सतह बढ़ गई तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, इसी कारण इसमें जो पानी था वो जल्दी से क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं तापमान की, तापमान से वाष्पीकरण। तो बच्चों आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हो कैसे। अच्छा ये बताओ, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि सर्दियों में? गर्मियों में ना, क्यों? क्योंकि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, पृथ्वी का तापमान ज्यादा होगा ना गर्मियों में, इस कारण क्या होगा, जो पानी है वो जल्दी से वाष्प में बदल सकता है क्योंकि उसको तापमान ज्यादा मिल रहा है। तो तापमान से वाष्पीकरण कैसे प्रभावित हो गया, समझ में आ गया? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण भी तो बढ़ रहा है, सतह का क्षेत्र अगर बढ़ रहा है तो भी वाष्पीकरण बढ़ रहा है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं आर्द्रता की। अब देखो बच्चों, आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता का मतलब है हमारे आसपास जो वायु है उस वायु के अंदर नमी कितनी है, या आप ये कह सकते हो कि उस वायु के अंदर जल वाष्प की मात्रा कितनी है, आम भाषा में बोले तो उसमें पानी कितना है, ठीक है। तो आर्द्रता का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा नमी होगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि बरसात के दिनों में कपड़े सूखने में टाइम लगता है या बहुत जल्दी सूख जाते हैं? टाइम लगता है ना, क्यों? क्योंकि बारिश होती है, तो बारिश हो रही मतलब जो वायु है आसपास की, जो वायुमंडल है उसमें जल वाष्प की मात्रा है कि नहीं, नमी होगी, तो नमी होगी मतलब वहां आर्द्रता है, ठीक है, और जहां आर्द्रता होगी वहां पे वाष्पीकरण होने में टाइम लगेगा, मतलब जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी वहां उतना कम वाष्पीकरण होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? आगे हम बात करते हैं वायु की गति की। अच्छा बच्चों, अगर हवा चल रही हो, हमने दो कपड़े सुखाए, दोनों को फैला के सुखाया है, ठीक है, अगर हवा चल रही है तो ज्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे कि जब हवा नहीं चल रही है तब? हवा चल रही होती है तो जल्दी सूखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं उनका एक गुण ये होता है कि वो गतिशील होते हैं, हवा भी गतिशील होती है, इस कारण जो इसमें जल के अणु होते हैं वो वायु की के साथ वो भी निरंतर क्या कर लेते हैं, गति कर लेते हैं और हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब वायु की गति ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। क्लियर? इधर देखो, ये एक डायग्राम समझाया गया है कि किस तरीके से तीनों अवस्थाएं आपस में बदलती है। देखो ये ठोस अवस्था है, ठीक है, ठोस अवस्था को अगर हम गलाएंगे तो ये किसमें बदल जाएगी, द्रव में। द्रव का अगर वाष्पीकरण होगा तो ये किसमें बदल जाएगी, गैस में। और गैसीय अवस्था का, यहाँ उर्दू पातन की जगह आएगा बच्चों, निक्षेपण। अगर गैसीय अवस्था का निक्षेपण होगा तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, ठोस अवस्था। क्लियर है? ऐसे ही ठोस अवस्था का उर्दू पातन होगा तो ये किसमें बदल जाएगी, गैस में। गैस अवस्था को अगर हम जमाएंगे, ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगी, द्रव में। और द्रव को अगर हम जमाएंगे तो किसमें बदल जाएगा बच्चों, ठोस में। इस तरीके से तीनों अवस्थाएं आपस में परिवर्तित हो सकती है। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, तो हम थोड़ा भी काम करते हैं तो हमारे शरीर से काफी पसीना निकलता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो बच्चों ज्यादा पसीना निकल रहा है तो जो सूती कपड़े होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि उनमें अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो पसीने को अवशोषित कर लेंगे और आसानी से उसका क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। अगर हम ऊनी कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों के जितना अवशोषित नहीं कर पाते हैं जल वाष्प, इसलिए उस पसीने का वाष्पीकरण नहीं हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट एक उदाहरण और है आपके पास कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है। देखो बच्चों, आपने एक ग्लास लिया है, ठीक है, इस ग्लास के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल दिए मैंने, यहाँ पर जैसे मान लो ये बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर बहुत ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर है,
ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो ग्लास रखा है, इस ग्लास के बाहर आपको यहाँ पे पानी दिखाई देता है, ये गीला हो जाता है ये ग्लास बाहर से। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ कि इस ग्लास का चारों तरफ वायु है, हमारे चारों तरफ अभी वायु है, वायु के अंदर जलवाष्प भी होगी, ठीक है। अब इस ग्लास के आसपास का जो ये वायु है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस ग्लास के कारण इस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ का तापमान कम हो जाएगा तो इस वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है वो किसमें बदल जाएगी, गैसीय अवस्था की बजाय किसमें आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी, और इस कारण हमें इस ग्लास के बाहर क्या दिखता है, पानी दिखता है, और हम क्या समझते हैं, इस ग्लास में से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त का मतलब क्या होता है बताओ, छुपा हुआ। वाष्पीकरण क्या होता है, ये तो आपको पता चल ही गया कि जो द्रव अवस्था है उसको गैसीय अवस्था में बदलना, वाष्पीकरण पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब ये पूछा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो बच्चों द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में कब बदलती है, जब उसको हम क्वथनांक तक गर्म करते हैं। पढ़ा था ना कि क्वथनांक किसे कहते हैं, कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाए, ठीक है। लेकिन इसके गुप्त ऊष्मा क्या हुई, जैसे बच्चों हमने देखो ये कोई पात्र है, इसमें 1 किलोग्राम कोई भी द्रव पदार्थ लिया, ठीक है, इसको हमने क्वथनांक दिया, जैसे मान लो इसको 100 डिग्री सेल्सियस इसके क्वथनांक का मान है, ठीक है। तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जब हम देंगे तब ये किसमें, द्रव अवस्था किसमें बदलना शुरू होगी, गैसीय में बदलना शुरू होगी। मैंने ये नहीं कहा कि 1 किलो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देते ही पूरा का पूरा बदल जाएगा, नहीं, इस पूरे 1 किलो को कितना तापमान और चाहिए कि ये पूरा का पूरा 1 किलो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाए, वही तापमान कहलाएगा गुप्त ऊष्मा। समझ में आई क्या बात, कि हमें ये तो समझ में आ गया कि 100 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक है, मतलब इस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लग जाएगा, लेकिन इस 1 किलो को पूरे को किसमें, गैसीय अवस्था में बदलने के लिए कितना तापमान और चाहिए, वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि मैं डेफिनेशन बताना, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कि ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर किसमें बदल दे, गैसीय अवस्था में बदल दे, क्या कहलाएगी वो कहलाएगी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। सेम ऐसे ही संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, हमने पढ़ा था संगलन, ठीक है, कि जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था को किसी बिंदु पर लाने के लिए, ठीक है, ठोस अवस्था को संगलन बिंदु तक लाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए हमें, कितने ठोस को, 1 किलो ठोस को, कितने ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे हम, कि ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर संगलन बिंदु तक लाने के लिए काम में ली जाए, जैसे मान लो बर्फ है, ठीक है, इसका संगलन बिंदु जैसे मान लो 1 डिग्री सेल्सियस है, हमने माना है कि इसको 1 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये गल जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी, लेकिन बच्चों ये गलना शुरू होगी, अब ये 1 किलो ठोस को इसके बाद कितना तापमान और चाहिए कि ये पूरी की पूरी 1 किलो बर्फ द्रव में बदल जाए, वही उसके क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्लियर हो गया बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विषय में बुक लोकतांत्रिक राजनीति 1 से लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। बच्चों आप लोग अब क्लास 9th के अंतर्गत आ गए हैं और 9th क्लास में आने के साथ ही आपने उम्र के एक सोपान को भी पार कर लिया है। आप लोगों का शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ बौद्धिक और मानसिक विकास भी हो रहा है, और आप लोगों के बौद्धिक मानसिक विकास को अधिक सुदृढ़ करने के लिए, अधिक सुनियोजित करने के लिए आप लोगों को अध्ययन करवाया जाता है सामाजिक विज्ञान का, जिसके अंतर्गत आप लोग अपने समाज की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या आसपास की उन सारे सिस्टम्स को जानते हैं जो आप लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब इस प्रभाव को अधिक समझाने के लिए आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया है, इतिहास, भूगोल,
अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। हम लोग अध्ययन करेंगे इसके राजनीतिक पार्ट का यानी पॉलिटिक पार्ट का, इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रथम। इसके द्वितीय पार्ट का अध्ययन आप अगली कक्षाओं में करेंगे। बच्चों, लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत आप लोग अध्ययन करेंगे लोकतंत्र क्या, क्यों, चुनावी राजनीति, संविधान निर्माण, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे लोकतंत्र क्या, यानी लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी परिभाषा की आवश्यकता क्या है। तो क्या आप लोग मेरे साथ लोकतंत्र की शेयर करने के लिए तैयार हैं? यस, आप लोग सभी तैयार हैं और हम लोग चलते हैं लोकतंत्र की यात्रा पर। सुनो सुनो, पास की क्लास में भी लोकतंत्र ही पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों ना सबसे पहले हमारी यात्रा का प्रारंभ यहीं से करते हैं कि क्या चर्चा हो रही है। क्लास में मैडम है और वह बच्चों से कह रही है कि लोकतंत्र क्या है, कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। जैसे ही मैम ने कहा, एक बच्चे ने कौतूहलवश पूछा कि मैम, जब हमने शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन पिछली कक्षाओं के अंतर्गत कर लिया, तो अब जाकर किसी भी शासन व्यवस्था का अर्थ और उसकी परिभाषा जानने की क्या जरूरत है? तो हमें लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने शासन व्यवस्थाओं के बारे में तो पढ़ ही लिया है। मैम कहती हैं कि किसी भी शब्द का प्रयोग हम पहले करते हैं, ऐसा हम दैनिक जीवन के अंतर्गत भी करते हैं। जब शब्द का प्रयोग करेंगे तभी अन्य शब्दों से उसका अंतर कर पाएंगे और एक निश्चित परिभाषा का अनुमान कर पाएंगे, यानी एक निश्चित परिभाषा को तय कर पाएंगे। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत बरसात, बुक, पेन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके प्रयोग करने के साथ साथ धीरे धीरे हम इनके अर्थ को समझने लगते हैं और तत्पश्चात हम इनकी एक निश्चित परिभाषा कर पाते हैं, और परिभाषा का परिणाम ही होता है कि हम इनमें अंतर कर पाते हैं, जैसे कि मार्कर पेन और पेन। अब बारिश को हमने जान लिया, लेकिन हम जब इस शब्द का प्रयोग करके धीरे धीरे जानेंगे कि बारिश के अंतर्गत बूंदाबांदी वाली बारिश और तेज मूसलाधार बारिश में भी अंतर होता है। तो मैम कहती हैं कि बच्चों, शब्द का प्रयोग करने के बाद हम उसके अर्थ को सही प्रकार से समझ पाते हैं, और अर्थ को समझने के पश्चात हमें उस शब्द की परिभाषा को जानना चाहिए। जैसा इन साधारण वस्तुओं पर यह चीज़ लागू होती है, वैसी ही यह बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम लोगों ने लोकतंत्र को जाना, तो हम लोग आज लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा तय करते हैं, निश्चित करते हैं। तभी एक बच्चे ने पूछा कि मैम, लोकतंत्र की परिभाषा तय करने की कहाँ जरूरत है? आपने हमें एक दिन अब्राहम लिंकन की परिभाषा बताई थी, जो कि लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, जिसके अंतर्गत आपने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चुनी हुई वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन का चुनाव, शासक का चुनाव जनता करती है। तो फिर हमें लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ने की क्या आवश्यकता है? तब मैम कहती हैं कि बच्चों, यह परिभाषा बहुत ही सुंदर है, बहुत सटीक है और सार्थक है, लेकिन किसी भी परिभाषा को इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वह किसी महान हस्ती ने कही है या किसी महापुरुष के द्वारा गया कहा गया कथन है। हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले खुद सोचना चाहिए। खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यानी किसी भी मसले का हल हमें खुद सोचकर करना चाहिए। ऐसा ही हमें लोकतंत्र की परिभाषा तय करते समय करना चाहिए। हम खुद इसका अध्ययन करेंगे और निश्चय करेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। एक छात्रा ने फिर कहा कि मैम, आपने एक दिन हमें बताया था कि लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का पर्याय होता है, और डेमोक्रेसी शब्द है वह यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यह डेमोक्रेसिया दो शब्दों डेमोस और क्रेशिया से बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। तो फिर हमें परिभाषा तय करने की क्या आवश्यकता है? मैम कहती हैं कि बच्चों, किसी भी शब्द का प्रयोग,
शब्द उत्पत्ति के आधार पर नहीं कर सकते। उस शब्द उत्पत्ति के आधार पर उसके सामान्य अर्थ को समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी परिभाषा का निश्चय नहीं कर सकते और वह व्यवहार में किस रूप में प्रयोग किया जाता है इसका निश्चय भी नहीं कर सकते। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द कंप्यूटिंग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना, परंतु आज क्या कंप्यूटर केवल गणना करने का कार्य ही करता है? जब कंप्यूटर का गठन हुआ था, कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, उस समय कंप्यूटर एक शक्तिशाली कैलकुलेटर था और इसका निर्माण भी इसीलिए हुआ था ताकि बड़ी से बड़ी गणना को यह आसानी से कर सके। परंतु कंप्यूटर आज केवल गणना न करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। गाने सुनना, फिल्में देखना, फिल्में बनाना और यहाँ तक कि आज अब जो आप मेरी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं वह भी इसी की बदौलत हो पा रही है। इस तरह से बच्चों किसी भी शब्द का निष्कर्ष हमें उसकी शब्द उत्पत्ति के आधार पर नहीं निकालना चाहिए। किसी भी चीज़ का निष्कर्ष हमें अपने सोच विचार और उस निष्कर्ष के पश्चात निकालना चाहिए जिसके पीछे गहन मंथन किया गया है। तो इसी यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। हम लोकतंत्र की परिभाषा खुद सोचकर, खुद विचार करके और लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के बारे में जानकर निश्चय करेंगे। थी ना बहुत ही मज़ेदार क्लास? बच्चों हमने इस क्लास के अंतर्गत जाना कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह होती है जो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी हम लोगों ने जाना कि डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जो डेमोक्रेसिया से बनी है, यानी डेमोस और लोग, यानी लोगों के शासन व्यवस्था से बनी हुई है। डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। तो इन सब का अध्ययन करने के पश्चात बच्चों हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि लोकतंत्र शासन वह है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जिस शासन व्यवस्था में संचालित होती है तो वह शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। ठहरो बच्चों, किसी भी निश्चय पर पहुंचने से पहले हमें उस निश्चय को पुख्ता कर लेना चाहिए। तो आओ हम लोग पुख्ता करते हैं, अध्ययन करते हैं जनता की सहभागिता के आधार पर शासन के प्रकारों का। बच्चों जनता की सहभागिता के आधार पर शासन के दो प्रकार हैं, एक है लोकतांत्रिक शासन, एक है गैर लोकतांत्रिक शासन। यानी लोकतांत्रिक शासन से तात्पर्य वह होता है क्या जिसकी हम खोज करते हैं। आप मुझे इसका उत्तर देंगे और आप अपने मन के अंदर भी इसका उत्तर सोचेंगे। यस, सबसे पहले मैं परिचय कराती हूँ म्यांमार का, जिसका पुराना नाम बर्मा है। वहाँ पर आंग सान सूची ने कई दिनों तक लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और वहाँ पर लोकतंत्र कायम किया, लेकिन लोकतंत्र कायम होने के बाद, यानी लोगों के द्वारा वहाँ की शासन सत्ता चुने जाने के पश्चात भी आज भी वहाँ के सेना अध्यक्ष का निर्णय वहाँ पर लागू होता है, यानी वहाँ पर सैनिक शासन लागू होता है। तो क्या वहाँ पर लोकतंत्र है? सोचिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं चिली। ये है चिली के अधिनायक अगस्ते पिनोसे। यहाँ के शासक का चुनाव भी जनता ने नहीं किया है, तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र है? ये अपनी शासन सत्ता को शक्ति और बल पर हत्या कर बैठे हैं, यानी इनकी शासन सत्ता का आधार शक्ति और बल है, न कि लोगों के द्वारा चुनना। तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र है? ये है सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद। अब शाह सुल्तान, इनकी शासन व्यवस्था प्राप्त करने का आधार है राजतंत्रात्मक परिवार का सदस्य होना। का जो प्रकार है वह है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो क्या यह लोकतंत्र है? भारत के अंतर्गत हम अपने शासकों का चुनाव वोट देकर करते हैं, यानी जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है अपने मताधिकार का प्रयोग करके। तो क्या भारत में लोकतंत्र है? आप कुछ सोचिए और विचार करिए। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जहां पर शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो यह हमारी लोकतंत्र की बहुत ही सरल परिभाषा हम लोगों ने तय कर ली, यानी लोकतंत्र वह शासन है जिसमें
लोगों का शासन होता है। अब हम लोगों ने लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत हम लोगों ने उदाहरण लिया म्यांमार, चिली और सऊदी अरब का, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत उदाहरण लिया भारत का। तो इन उदाहरणों से आप भली भांति समझे होंगे कि लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर होता है। अब लोकतांत्रिक शासन का हमने तय कर लिया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। पर ध्यान रखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता है परंतु अंतिम सत्ता किसी और शक्ति के पास ही होती है, उन्हें अंतिम फैसले लेने का अधिकार नहीं होता। और वस्तुतः विश्व की बहुत सी शासन व्यवस्थाएं अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती हैं, यानी वो लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़े रहती हैं और स्वयं को लोकतांत्रिक कहना और कहलवाना चाहती है, जिसके कारण हम असली लोकतंत्र में और नकली लोकतंत्र में यानी दिखावे वाले लोकतंत्र में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस अंतर को समझने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा लोकतंत्र की विशेषताओं का। यस बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र के आधार पर यानी जनता की सहभागिता के आधार पर लोकतांत्रिक सत्ता के कितने रूप होते हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। आप लोग जिस भी माध्यम से न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे आप लोग तय करें, जानें और सर्च करें कि किन किन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्थापित हैं और किन किन देशों में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्थापित हैं। इंतज़ार कीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लोकतंत्र की विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में द थीफ स्टोरी। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलो करते हैं इनकी शुरुआत। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अब क्या करना होगा आपको, इन सवालों के अंदर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। पहला सवाल, व्हाट वाज अनिल वॉचिंग व्हेन हरी सिंह मेट हिम। अनिल क्या वॉच कर रहा था, क्या देख रहा था जब हरी सिंह उससे मिला। क्या देख रहा था बच्चों अनिल, क्या वो क्रिकेट का मैच देख रहा था, क्या वो रेसलिंग मैच देख रहा था, क्या वो कबड्डी का मैच देख रहा था या टेलीविज़न देख रहा था। तो कहानी की शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अनिल देख रहा था एक रेसलिंग का मैच, यानी कि जो ऑप्शन बी है यही आपका सही उत्तर है। तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। दूसरा सवाल, व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। हरी सिंह को अपने काम के बदले अनिल से क्या मिलता था, क्या सैलरी मिलती थी, पगार मिलती थी, गोल्ड मिलता था, सोना मिलता था, फूड एंड अकोमोडेशन खाना और रहने की जगह मिलती थी या फिर क्लोथ्स मिलते थे। तो बच्चों क्या बोला था अनिल ने, अनिल ने बोला था कि भाई वो उसको सैलरी तो नहीं दे सकता, पगार तो नहीं दे सकता, और इसीलिए उसने बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। यानी कि हरी सिंह को अनिल ने दिया था फूड एंड अकोमोडेशन, खाना और रहने की जगह। तो ऑप्शन सी जो है वो है आपका सही उत्तर। तीसरा, अनिल कौन था, अनिल क्या चोर था, लेखक था, रेसलर था या साइंटिस्ट था। देखिए बच्चों, यहाँ पूछा गया है अनिल कौन था, हरी सिंह की बात नहीं हुई। अगर ये पूछा जाता कि हरी सिंह कौन था तो हम बोलते वो एक चोर था, लेकिन अनिल के बारे में पूछा है तो अनिल था एक राइटर, एक लेखक। तो ऑप्शन बी जो है वही इसका, इस सवाल का सही उत्तर है। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही है या गलत। तो बच्चों इसमें पहला वाक्य क्या है, पहला वाक्य है
हरि सिंह टुक अ नेम अ न्यू नेम एवरी मंथ। हरि सिंह हर महीने एक नया नाम ले लेता था। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। हरि सिंह क्यों हर महीने नया नाम लेता था? इसलिए लेता था ताकि वो अपने पुराने मालिकों से और पुलिस से दो कदम आगे रहे और हमेशा बचा रहे। तो ये जो आपके पास वाक्य है, इसके आगे आप क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे कि ये वाक्य बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य, हरि सिंह वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। हरि सिंह की उम्र 20 ईयर्स थी, 20 साल थी। क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि हमें कहानी में पता है कि भाई हरि सिंह बहुत छोटी सी उम्र का था, 20 साल का नहीं था। तीसरा वाक्य, हरि सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेस। हरि सिंह को बहुत फॉन्ड था, मतलब प्रिय थे रेसलिंग के मैचेस, कुश्ती के मैचेस। क्या ये बात सही है? ये बात भी बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। तो इस वाक्य के लिए भी आप क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, गलत लिखेंगे। चौथा वाक्य, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल पैसा बनाता था, यानी पैसा कमाता था फिट्स एंड स्टार्ट्स से, यानी अनियमित रूप से। क्या ये बात सही है? ये बात तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है बच्चों? इसलिए ट्रू है कि अनिल तो था एक लेखक, और वो क्या करता था, कभी पैसे उधार ले लेता था, कभी उधार दे देता था। जैसे ही उसके पास पैसे आते थे वो खर्च कर देता था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अनिल पैसे अनियमित रूप से कमाता था। तो ये वाक्य बिल्कुल ट्रू है। और पांचवा भाग, हरि सिंह वेंट बाय ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी। हरि सिंह ट्रेन से चला जाता है स्टील करने के बाद, चोरी करने के बाद पैसे। क्या वो जाता है बच्चों? कहानी के अंत में क्या हुआ था, याद करो सारी बातें। हमने जाना था कि हरि सिंह ट्रेन से जाने की इच्छा तो रखता है, रेलवे स्टेशन भी पहुंच जाता है, पर वो ट्रेन में नहीं चढ़ता और वो अंत में वापस अनिल के पास चला जाता है। तो ये जो वाक्य है ये बिल्कुल गलत वाक्य है, बिल्कुल फॉल्स है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। अगली क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 words each। अब जो आपके सामने सवाल आएंगे बच्चों, वो आपको कम शब्दों में, बहुत कुछ शब्दों में उसके उत्तर देने होंगे। तो पहला सवाल है, हरि सिंह, हु वॉज हरि सिंह? हरि सिंह कौन था? कौन था बच्चों? वो तो एक 15 साल का चोर था। तो यही तो हमें इसके उत्तर में लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम? हरि सिंह वॉज 15 years old। हरि सिंह 15 साल का एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल, काफ़ी ज़्यादा सफल थीफ, चोर था। हरि सिंह कौन था बच्चों? हरि सिंह 15 साल का अनुभवी और काफ़ी सफल थीफ था, चोर था। दूसरा सवाल, व्हाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाय हरि सिंह? अनिल को क्यों ना पसंद आया, डिसलाइक किया मतलब ना पसंद आया, द फर्स्ट मील, जो पहला भोजन था, कुक्ड बाय, जिसको बनाया था या पकाया गया था हरि सिंह के द्वारा, क्यों ना पसंद आया था? क्योंकि उसका जो टेस्ट था, स्वाद था, वो बहुत ही टेरिबल था, ख़राब था। और अनिल ने क्या किया था? अनिल ने वो खाना दे दिया था कुत्तों को। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है, हम लिखेंगे अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील, अनिल को डिसलाइक्ड हुआ, पसंद नहीं आया जो पहला भोजन था, जो पकाया गया था हरि सिंह द्वारा, बिकॉज इट वॉज टेरिबल, क्योंकि वो टेरिबल था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। अनिल ने ये खाना एक जंगली या आवारा कुत्ते को दे दिया था। स्ट्रे डॉग का मतलब याद आ रहा है बच्चों? हमने कहानी में भी पढ़ी थी ये बात। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। तो आवारा कुत्ते को गली के अनिल ने वो खाना खिला दिया था। तीसरा सवाल, हाउ हरि सिंह फेल्ट वाइल वर्किंग फॉर अनिल। तो हरि सिंह को कैसा महसूस हो रहा था जब वो
वर्क कर रहा था, काम कर रहा था अनिल के लिए। हरी सिंह को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्यों? क्योंकि भाई उसको ज़्यादा तो काम करना नहीं पड़ता था और साथ ही साथ वो क्या कर सकता था, जब मर्जी आए घर में आ सकता था, जब जा सकता था मर्जी होने पर, और साथ ही साथ जो पूरे दिन का राशन लेने जब वो जाता था तो एक या दो रुपये अपने पास बचा के रख लेता था, और इस तरीके से हरी सिंह अपनी थोड़ी बहुत कमाई भी कर रहा था बिल्कुल आसानी से। तो इसके उत्तर में हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे वाइल वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करते हुए हरी सिंह फेल्ट, हरी सिंह को महसूस हो रहा था क्वाइट प्लेजेंट, काफी अच्छा या फिर काफी खुश। ही मेड टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय बनाता था। ही मेड प्रॉफिट, वो क्या करता था, प्रॉफिट बना लेता था अपना ऑफ अ रूपी, एक रुपए का डेली रोज। इन बाइंग डेज सप्लाईज, पूरे दिन की जो सप्लाईज है, जो राशन है वो खरीदने में वो एक रुपए का या दो रुपए का क्या कर लेता था, फायदा कर लेता था। चौथा सवाल, हाउ हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, हरी सिंह किस तरीके से खुद के लिए प्रॉफिट कर लेता था, कैसे वो प्रॉफिट कमाता था, कैसे वो फायदा कमा लेता था, कैसे कमाता था बच्चों, वो जब भी पूरे दिन का जो सप्लाई था, जो राशन था वो लेने जाता, तब वो एक या दो रुपए अपने पास दबा लेता, और उसको पूरा यकीन था कि अनिल ये बात जानता है, पर फिर भी अनिल कुछ नहीं कह रहा। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हरी सिंह मेड, हरी सिंह बनाता था अ प्रॉफिट, फायदा फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, बाय सेविंग, बचाकर ऑलमोस्ट अ रुपी अ डे, बचाकर एक रुपए एक दिन में, इन बाइंग डेज सप्लाई, खरीदने में पूरे दिन के सप्लाई को, पूरे दिन के राशन को। ही थॉट, उसको ये लगता था दैट अनिल न्यू इट, कि अनिल को ये पता था। पांचवा सवाल, हाउ डिड हरी सिंह स्टील मनी, हरी सिंह ने किस तरह स्टील किए, चोरी किए मनी को, पैसे को, क्या लिखेंगे हम, स्टोल मनी, हरी सिंह ने चुराए थे पैसे बाय स्लाइडिंग हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे अपने हाथ को डालकर, ड्रॉइंग द नोट्स आउट, और जो नोटों की गड्डी थी उसको खींच कर निकाल कर, विदाउट अ साउंड, बिना कोई आवाज़ किए, एंड क्विकली, और तेज़ी से, क्रॉलिंग आउट ऑफ द रूम, और तेज़ी से रेंगते हुए बाहर आने आकर क्या किया उसने, चुरा लिए पैसे। तो क्या मतलब है इस पूरे उत्तर का, इसका मतलब है कि अनिल ने, सॉरी, हरी सिंह ने चुराए पैसे गद्दे के अंदर हाथ सरकाकर और उस नोटों की गड्डी को खींचकर बिना किसी आवाज़ किए और फिर रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया जब उसने इस तरह से चुरा लिए। छठा सवाल, Why did हरी सिंह not stop at the ticket office? हरी सिंह क्यों नहीं stop हुआ, क्यों नहीं रुका ticket office पर, क्यों नहीं रुका था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी बच्चों, वो हमेशा क्या करता था, वो सीधे प्लेटफॉर्म पे चला जाता था, और यही उसने इस बार भी किया था। तो इसका उत्तर हमें लिखना है, हरी सिंह डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, हरी सिंह नहीं रुका था टिकट ऑफिस पर, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नेवर बॉट अ टिकट, उसने कभी नहीं खरीदी थी टिकट इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ही ऑलवेज वेंट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो हमेशा जाता था, ऑलवेज यानी कि हमेशा, तो वो हमेशा जाता था प्लेटफॉर्म पर सीधा ही। Answer the following questions in 30 to 40 words each. तो अब आपके सामने बच्चों सवाल आएंगे जो पिछले सवालों से थोड़े से ज़्यादा शब्दों में, जिसके उत्तर आपको देने होंगे। पहला सवाल क्या है, Why was it difficult to rob Anil?
अनिल को रॉब करना, लूटना इतना डिफिकल्ट क्यों है, मुश्किल क्यों है? देखिए, इसलिए मुश्किल है क्योंकि अनिल क्या है, एक बहुत ही लापरवाह व्यक्ति है। और लापरवाह व्यक्ति ऐसा होता है जो कई बार ध्यान भी नहीं देता कि उसको लूट लिया है, और इसी कारण से जो सारा मज़ा है किसी को लूटने का वो चला जाता है। और यही कारण है कि हरि सिंह को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है कि अनिल को लूटा जाए। तो कैसे लिखेंगे हम उत्तर? हम लिखेंगे, इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब अनिल, ये बहुत मुश्किल था कि अनिल को रॉब किया जाए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ केयरलेस मैन, वो एक लापरवाह व्यक्ति था। A careless man, एक लापरवाह व्यक्ति, does not even notice, वो ध्यान भी नहीं देता, that he had been robbed, कि उसको लूट लिया गया है। And that took all the pressure, और यही सारा आनंद ले लेता है out of the work, बाहर निकाल देता है यही बात सारा आनंद। क्या, कौन सी बात बच्चों? पूरे इस काम की, यही बात कि भाई अगर व्यक्ति लापरवाह है और वो ध्यान भी नहीं दे रहा कि उसको लूट लिया गया है, तो यही बात पूरे इस काम का मज़ा छीन लेती है, मज़ा किरकिरा कर देती है। दूसरा सवाल, What study of men's faces had been made by Hari Singh? तो हरी सिंह ने आदमी के चेहरे की क्या बात पे ध्यान दिया था, क्या स्टडी की थी? क्या की थी बच्चों? उसने ये बोला था कि आदमी का चेहरा अलग तरह से दिखता है जब उसको लूट लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो क्या करेगा? अलग तरीके से व्यवहार करेगा। अगर लालची व्यक्ति है तो अलग तरीके से व्यवहार करेगा, और अगर गरीब व्यक्ति है तो भी उसका चेहरा अलग भाव लेके आएगा। तो क्या क्या लिखने वाले हैं इसके उत्तर में? हरि सिंह हैड मेड स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। हरि सिंह ने क्या कर लिया था, आदमी के चेहरे के जो भाव थे उनको वो स्टडी करता था, उनको वो पढ़ता था, जब वो लॉस्ट कर देते थे यानी कि खो देते थे अपने गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? सामान। अ ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लालची व्यक्ति के चेहरे पर फियर आता था, डर आता था। द रिच मैन शोड एंगर, अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके चेहरे पर एंगर आता था, गुस्सा आता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अगर गरीब व्यक्ति है तो उसके चेहरे पर स्वीकृति के भाव आ जाते थे। अनिल वुड बी सैड फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पर अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सैड होता, दुखी होता, क्योंकि उसका जो भरोसा है वो खो गया है। और भरोसा क्यों खो गया है? कि भाई उसने भरोसा करके ही तो हरि सिंह को अपने घर में काम पे रखा था, और हरि सिंह उसका भरोसा तोड़ के चोरी करके चला गया। तो अनिल ना गुस्सा होगा, ना डरेगा, ना स्वीकृति के भाव आएंगे उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर केवल दुख और निराशा के भाव ही आएंगे। तीसरा सवाल, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, डिस्कस। अनिल सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इस बात की आपको व्याख्या करनी है, डिस्कस करना है। ये हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, अनिल ने क्या किया था, हरि सिंह को अपने घर में रख लिया था और साथ ही साथ उसको चाबी भी दे दी थी, तो हरि सिंह जब चाहे घर के अंदर आ सकता था और जब मर्जी आए जा सकता था। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, अनिल बहुत जल्दी से विश्वास कर लेता था, बहुत भरोसा करता था दूसरों पर। साथ ही साथ अनिल जानता था कि हरि सिंह एक या दो रुपए का अपना फ़ायदा करता है हर रोज़, पर फिर भी अनिल कुछ नहीं कहता था। तो उत्तर कैसे लिखेंगे हम? हम लिखेंगे, अनिल हैड गिवन हरि सिंह, अनिल ने दे रखी थी हरि सिंह को अकी, एक चाबी, टू द डोर टू कम एंड गो, दरवाजे की, ताकि वो आ सके और जा सके, एज ही प्लीज्ड, जब भी उसकी इच्छा हो। किसकी इच्छा हो बच्चों? हरि सिंह की इच्छा हो। हरि सिंह थॉट, हरि सिंह को लगता था दैट अनिल, कि अनिल को न्यू दैट ही मेड, कि अनिल को पता था कि वो बनाता है
अ लिटल मनी, थोड़ा सा पैसा, इन बाइंग, खरीदते हुए डेज सप्लाईज, पूरे दिन का राशन. बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन फिर भी अनिल को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है. यहाँ पे माइंड का मतलब क्या है? आपत्ति. चौथा सवाल, वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल? हरी सिंह को ऐसा क्यों लगा कि उसको अनिल के पास वापस जाना चाहिए? इसलिए ऐसा लगा था बच्चों क्योंकि अनिल ने क्या करा था, उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें एक दिन लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें नंबर्स को जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना भी सिखाऊंगा. और अगर हरी सिंह ऐसा कर पाता तो वो भी एक बहुत अमीर और इज्जतदार व्यक्ति बन सकता था. और इसी कारण से उसने क्या सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए ताकि मैं पढ़ना लिखना सीख सकूं एक इज्जतदार व्यक्ति बनने के लिए. तो कैसे लिखना है हमें इसका उत्तर? हम लिखेंगे हरी सिंह थॉट, हरी सिंह को लगा दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, कि उसको अनिल के पास वापस जाना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था, टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना, टू बी अ रियली बिग मैन, ताकि वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सके, अ क्लेवर, एक चतुर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और इज्जतदार व्यक्ति बन सके. अनिल्स डिसेंट डेमिनोर कन्वर्टेड अ थीव्स हार्ट, अनिल का जो एकदम डिसेंट सा स्वभाव था उसने बदल दिया था एक थीफ का, चोर का हार्ट, दिल. बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60-80 वर्ड्स ईच. अब ये जो सवाल है बच्चों, सबसे ज़्यादा शब्दों में आपको इसके उत्तर देने होंगे, बहुत बड़े पैराग्राफ्स में आपको इसके उत्तर देने हैं, कम से कम 60-80 वर्ड्स में. पहला सवाल क्या है? हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, अनिल अपनी जीविका कैसे कमाता था? देखिए, अनिल जो पैसे अपने कमाता था, वो कमाता था अनियमित रूप से. साथ ही साथ वो एक समय पर किसी से उधार लेता था और एक समय पर किसी को उधार दे भी देता था. और क्या करता था वो कुछ लेख लिखा करता था और वो पब्लिशर को बेच दिया करता था. तो यही सारी बातें हमें लिखनी होंगी इस उत्तर में. कैसे लिखेंगे? अनिल मेड मनी, अनिल पैसा बनाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनियमित रूप से. ही वुड बोरो 1 week, वो एक हफ्ते में क्या करता था? बोरो करता था, उधार लेता था, एंड लेंड द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते उधार दे देता था. ही केप्ट वरिंग, वो चिंता किया करता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसके अगले चेक के बारे में. बट एज सुन एज ही गॉट मनी, पर जैसे ही उसके पास पैसे आते थे, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था एंड सेलिब्रेट, और जश्न मनाता था. ही मेड हिज लिविंग बाय राइटिंग फॉर मैगजीन्स, वो अपनी जीविका कमाता था लिख कर मैगजीन्स के लिए. इट वॉज अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और ये बहुत ही अजीब ढंग है जीविका कमाने का. दूसरा सवाल, हाउ कैन यू से दैट अनिल सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीव? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हरी सिंह एक सफल चोर था? हम ऐसे कह सकते हैं कि हरी सिंह को 15 साल की उम्र में जब वो चोरी करता था तब भी पुलिस वाले पकड़ नहीं पाए थे. वो हर महीने अपना नाम बदल देता था ताकि पुलिस वाले और जो उसके पुराने जो मालिक हैं वो उसको पकड़ ना पाए. और साथ ही साथ उसने कभी भी गलत तरीके से जज नहीं किया किसी भी व्यक्ति को. कैसे लिखना है हमें इसका उत्तर? हम लिखेंगे वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट हरी सिंह, कि हरी सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ, हरी सिंह एक सफल चोर था. बिकॉज, क्योंकि पुलिस कुड नॉट कैच हिम, पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती थी. He took a new name every month. वो हर महीने एक नया नाम रख लेता था. It kept him ahead. ये इसको आगे रखता था of police and former employers. पुलिस से और अपने पहले के मालिकों से. He knew the art of flattery. उसको flattery करनी भी आती थी, चापलूसी करनी भी आती थी. He never misjudged the man whom he could
ड्रॉप, और वो कभी गलत जज नहीं करता था उस व्यक्ति को जिसको वो लूटने वाला होता था. He used his most appealing smile for the theft. और चोरी के लिए वो इस्तेमाल करता था अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कान का. He cleverly got job. उसने चतुराई से ले ली थी नौकरी in Anil's house, अनिल के घर में, and robbed him. और उसके बाद उसको लूट लिया था. Describe Hari Singh's reactions after the departure of the train. आपको ये बताना है कि हरी सिंह के क्या reactions थे, क्या प्रतिक्रिया थी जब ट्रेन डिपार्चर हो गई, जब ट्रेन चली गई. तो बच्चों, हरी सिंह को सबसे ज़्यादा चिंता होने लगी. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर जाके वो अपनी रात गुजार सके. अगर वो किसी होटल में जाता तो लोगों को शक हो जाता है कि नहीं. और साथ ही साथ उसको ये भी बार बार ये विचार बार बार उसके मन में आ रहा था कि उसने अनिल का भरोसा तोड़ दिया है. और भरोसा टूटने के कारण अनिल ना गुस्सा होगा, ना वो ना ही उसके चेहरे पर क्या आएगा, डर आएगा, बल्कि अनिल क्या होगा, दुखी होगा, निराश होगा. और साथ ही साथ उसके मन में क्या आया कि अगर मैं अनिल के पास रहता तो हो सकता था मैं पढ़ लिख के एक बड़ा इज्जतदार आदमी बन सकूं. तो अब हमें इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे After the train had departed, जब ट्रेन चली गई, हरी सिंह was worried. हरी सिंह चिंतित हुआ. Because, क्योंकि he had no place to spend the night. उसके पास कोई जगह नहीं थी रात गुजारने के लिए. He thought, उसको लगा that Anil will be disappointed, कि अनिल निराश होगा for the loss of trust, अपने भरोसे को खोने के कारण. He thought that he wouldn't be able to learn to read and write. और उसने क्या सोचा, हरी सिंह ने ये सोचा कि अब वो नहीं सीख पाएगा लिखना और पढ़ना. If he stayed at Anil's house, अगर वो रुक जाता अनिल के घर पे, he could be really a big man. वो बन सकता था एक बहुत बड़ा आदमी, a clever and respected man. By Anil's teaching, अनिल की सिखाई बातों से वो एक चतुर और इज्जतदार आदमी बन सकता था. In this way, Hari Singh wanted to go back to Anil. और इस तरीके से ही हरी सिंह जाना चाहता था वापस अनिल के पास. हाँ जी बच्चों, तो मज़ेदार थी कहानी और इतनी ही आसानी से कर लिए हमने इसके सवाल जवाब. बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ भाग 2, वे सामाजिक विज्ञान विषय में बुक लोकतांत्रिक राजनीति 1 से लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, वे कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में द थीफ स्टोरी. बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में गणित विषय में संख्या पद्धति भाग 5, वे कक्षा 10 में अंग्रेजी ग्रामर विषय में मॉडल्स भाग 5, वे अंग्रेजी विषय में भोली पार्ट 1. बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है. बच्चों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें. कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डाक द्वारा भेज सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.sikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 31301.